मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल मंगलवार को रोहतक के राजकीय महिला कॉलेज पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र प्रेम को याद किया, तो वहीं राज्य की जनता को दी जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी रोहतक के राजकीय महिला कॉलेज में नेताजी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नेताजी ने देश और समाज के लिए जो किया उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी देश व समाज की बात होगी तो नेताजी का नाम अवश्य लिया जाएगा। हमारे लिए ये गर्व की बात है और हरियाणा में नेताजी के 3 जाबाज आज भी हमारे साथ हैं, जिनमें से 2 रेवाड़ी और 1 महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भगवान श्री राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों और देश के नायकों का सम्मान करना भाजपा की प्राथमिकता रही है। प्रदेश की सत्ता में आने के बाद हमने सरकारी तौर पर महापुरुषों की जयंती मनाने का काम किया है, जिन्होंने देश और समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया था। सीएम ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करवाने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन कर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर देशवासियों में एक नया जोश भरा था। हम भी महापुरुषों और देश के नायकों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। पहला तो नेताजी सामान्य कोई एक नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। किस जज्बात से, किस जोश से न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में उन्होंने पैदा की, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात की, क्योंकि देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था। पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो लगातार चली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आजादी मिल भी पाएगी क्या। ये 2 दिन हमारे लिए अहम। सीएम मनोहर लाल अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना और 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में शामिल होना हमारे लिए अहम है। इन दोनों ही दिनों के पलों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। देश की आजादी के लिए अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी हमें हमेशा देश व समाज के लिए कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित ही करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जबकि सदियों के बाद अपने घर लौटे भगवान श्री राम हमें हमेशा जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। कल का दिन 22 जनवरी 2024 ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया, मन मन में राम, तन तन में राम, गट गट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र जी बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे, लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं।
सीएम ने व्यवस्था परिवर्तन का किया आह्वान। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश आजाद है, सरकार देश चलाती रही है और अब करना है इसके लिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, योग्यता को बढ़ाना होगा, मेरिट मिशन पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने और पसीना बहाने की जरूरत है। शासन के नाते ठीक कह रहे रामनाथ शर्मा जी कि लोग क्या समझते हैं सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना, सरकारों का काम ये है निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी, एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ ये भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसके ठीक करनी है, संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका सर ऊंचा उठाना है तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 1.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है और इसलिए युवा परिश्रम करे, निष्ठावान बने, ईमानदार से आगे बढ़कर देश व समाज के लिए काम करे, इससे देश दुनिया में सर्वोच्च बनेगा। नौकरियों में परिवारवाद व भाई भतीजावाद हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में महापुरुषों व नायकों को याद करते हुए एक बार फिर राजनीति में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद पर हमला बोला और कहा कि इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। युवाओं को रोजगार देना और जनहित में काम करना हमारी प्राथमिकता है। जायज कार्यों के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नौकरियों में परिवारवाद और भाई भतीजावाद अब समाप्त हो गया है। युवाओं को पढ़ने के लिए और मेरिट आने की आवश्यकता है, इसके लिए कौशल विकसित करना जरूरी है और पहले इसके लिए व्यवस्था कम थी, अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं। विद्यार्थियों को कौशल हुनर सिखाना चाहिए, इसके साथ ही इनके आधार पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, यहाँ कौशल सीखकर युवा अपनी पहचान बना सकते हैं। कहा है कि सरकारी नौकरी में हमने मिशन चलाया है और इसके तहत मेरिट आधार पर नौकरी देंगे। अब वे जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार और इसी को लेकर अपने चलाते रहे हैं। गरीब को कोई पूछता तक नहीं था, हमने पढ़ाई करके आगे बढ़ने वाले गरीब को भी वही अधिकार दिया है जितना संपन्न परिवार के युवाओं का है और शिक्षा पैमाना है, गरीबी नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना को कायम रखना और इसके साथ ही साथ प्रदेश के लिए काम करना लक्ष्य है, अपना भला इसी में निहित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के मॉडल टाउन स्थित गुफा वाले मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए माता रानी की प्रार्थना की। 8 और 9 फरवरी को अयोध्या जाएंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे पानीपत तक ही ट्रेन से आए और पानीपत से रोहतक सड़क के रास्ते पहुंचे। दरअसल सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से जन शताब्दी एक्सप्रेस से पानीपत पहुंचे और इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने सीएम का स्टेशन पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से हर भारतीय में खुशी है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये शुभ कार्य हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो भी अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने फरवरी में 8 और 9 फरवरी का शेड्यूल भी तैयार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन इतिहास का बन गया है और ये दिन दीपावली की तरह उत्सव के रूप में मनाया गया है। इसमें हम सभी भागीदार हुए हैं, आने वाली पीढ़ियां भी इतिहास के इस दिन को प्रेरणा से लेंगी। आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई गतिविधियों का संचालन किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। जापानी समर्थक के साथ भारतीय लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने के लिए इस फौज की स्थापना की और यह फौज ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से बनाई गई थी। आजाद हिंद फौज का मुख्य लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना था। करीब 85,000 सैनिक इसमें शामिल हुए थे। आजाद हिंद फौज में एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी और इस फौज में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए थे। सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार बनाई जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। और अगर महात्मा गांधी जी दोनों ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में आवाज जब उठती है तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है उसकी एक विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ जिनको उस समय कहा गया कि एक गर्म दल है एक नरम दल है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को और शक्तिशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आपको बता दें कि पहले इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान की ओर बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें वर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। इसके साथ ही फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में जनधन और उपकरण जुटाए। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं INA के नाम पर। कोई देश कोई सरकार तो बना लेता है एक व्यक्ति के आह्वान पर। घर घर से नौजवान निकले और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में INA में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोक होगा। आजादी और आजाद हिंद की ऐतिहासिक उपलब्धि ही थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के लिए पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में हासिल कर लिया। इस विजय के साथ ही नेताजी ने राष्ट्रीय आजाद बैंक और स्वाधीन भारतीय के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया था।
देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं, और बिगुल बजाय अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एक बात की शायद जानकारी आप लोगों को होगी कि नहीं होगी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पैरेलल चले, दोनों की ताकत ने अंग्रेज की सरकार की चूले हिला दी उन शासन की। अंग्रेज ऐसे ही अपने आप नहीं चला गया, अंग्रेज को मजबूरी से इस देश को छोड़ना पड़ा। तो इस देश को जो छोड़ा है उस नाते से ये जो आजादी का तराना गांव गांव में गली गली में नेताजी के आह्वान के ऊपर जो शुरू हुआ, उसमें आज के इस समय में हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं में लगी होड़। बता दें कि इस फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। पहले इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान की ओर बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें वर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। सुभाष चंद्र बोस की रेडियो पर किए गए एक आह्वान के बाद रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को इसका नेतृत्व सौंप दिया। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था उसको भी आज 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में है। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में है, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में है। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी, सन ऑफ भवानी साहनी, भवानी सिंह जी, भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी, सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी, सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन तीनों के घर में जाकर के और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो उनको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। वहीं 21 अक्टूबर को 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थाई भारत सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचिको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।